गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग 10 मिनट शो में आए हैं। इसमें आज इंटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 मिनट में हम लोग 50 वो करेंगे आंसर के साथ। क्वेश्चन जो पिछले बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सर, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे हिंदी का विषय, हिंदी क्लास 12। चलिए पहला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह शीर्षक कविता पुत्र वियोग से है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर। आगे बढ़ते हैं, जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह है सूरदास के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाम ले भरे उदार एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह तुलसीदास के पद से लिया गया है। ये सब पिछला एग्जाम में आया हुआ है, उसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ से है। सुबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था। उसके बाद बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? ये नील की खेती के लिए लाया गया था, नील का खेती होगा। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शिक्षा पाठ से लिया गया है? तो उसने कहा था। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह जो पंक्ति लिया गया किस समाजवादी लेखक का है? तो यह जयप्रकाश नारायण जी का है, जो सिताब दे रहा यही छपरा जिला के निवासी हैं थे। आदमी और आगे, आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रास्ता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह मलयज का कथन है। जब देश के भाग का निर्माण हो रहा तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, ये एक लेख और एक पात्र के द्वारा मैंने शीर्षक पाठ से लिया गया है। 12 अगला देखा जाए, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करना हम लोगों को। आगे कह रहा है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो जूठन के हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी हम लोग भी जानते हैं छपरा के उत्तर में बहता है, यानी छपरा जिला से होके भी बहती है, ये भी जानते हैं हम लोग, ये ओ सदनीय से। उसके बाद मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जय कृष्णमूर्ति का पिता का नाम था नारायण जिद्दू। आगे बढ़ते हैं, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की माता का नाम है गंगा देवी। क्या है दोस्तों? गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान है अमृतसर में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा चौहान जी का इलाहाबाद में है। ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो सबको जानते हैं गोड्डा झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो सबको जानते हैं उषा। बीजक के रचयिता है कबीरदास। अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध में शंकर और पार्वती की किस प्रकार रूप से वर्णित किया गया है? तो कल्पित है एकदम। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? इसका आंसर होगा पिताजी ने।
मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए जाती है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर कह रहा है मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो आंसर होगा पानी, आंसर होगा इसका पानी। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी पूंजीवादियों से लड़ रहा है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ राम महाकाव्य आप लोग सबको जानते हैं, रामचरित मानस है उनका प्रसिद्ध। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है शिक्षा। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र भगत जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचना निम्न में से कौन है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे जूठन। बालकृष्ण भट्ट बातचीत सबको जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं 34 से सवाल 50 के तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएं। चौंतीस सवाल में कह रहा है जयसी की रचना निम्न में से कौन सी है या कौन है? तो करबक, जयसी की रचना करबक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा चौहान जी को पुत्री वियोग है, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न से कौन सी है? तो पुत्र वियोग। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो भूषण की कविता निम्न में से कवित है। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है? तो रघुवीर सहाय की कविता है अधिनायक, अधिनायक है। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? तो सबको जानते हैं तुमूल कोलाहल कलह में। आगे बढ़ते हैं, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, भूषण जी के कविता में वीर रस पाया जाता है। ऐसे ही हम लोग आप 39-40 पर आ गए। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो सबको जानते हैं कि गैगरीन का उल्लेख रोज में है। आगे बढ़ते हैं, कोश अदानीर हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध के आता है, निबंध के अंतर्गत आता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के में रहे हैं। अब आगे देखते हैं, 43 में कह रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र। अगला है नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सबको जानते हैं सगुण उपासक राम भक्त थे। हिंदी का समन्वादी कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का समन्वादी कवि तुलसीदास को माना जाता है। अपने लेखन में मोपासा ने किस कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? तो देखेंगे बुर्जुआ समाज के बारे में कहा है, बुर्जुआ समाज में किसका आगे कह रहा है किसका बटुआ बेजेबिल सड़क पर गिर गया है? तो इसका आंसर मैट फूल ब्रेक का। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जयसी का रचना है। आगे बढ़ते हैं, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? तो कलर की मौत में शीर्षक कहानी का है इवान दमित्रिच चेकवाकोवा। अगला है लास्ट 50, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? तो ये अशोक वाजपेयी रहे हैं। आप लोग के लिए दोस्तों सवाल है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करें ग्रुप में या
या कमेंट्स करके शेयर करें। महात्मा गांधी तक 50 तक का डिस्कशन हुआ, इसके बाद फिर 50 नए क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। आप लोग का 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न से किसकी है, इसी के साथ इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कर दीजिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है, फिर 50 क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। गुड नाइट।